नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक पैरानॉर्मल सब्जेक्ट के बारे में। जब भी हमारे घर में कोई अपना मर जाता है तो हम लोग उसकी चीजें अपने पास रखते हैं। हमें उनके प्यार की वजह से, उनके संबंध की वजह से हम उन चीज़ों को अलग ही नहीं कर पाते, और कभी कभार इसकी वजह से हमें बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। तो दोस्तों, आइए आज मैं आपको बताऊंगा वो कौन सी तीन चीज़ें हैं जो हमने मृत व्यक्ति की हमारे पास नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाना भूलना नहीं, इससे मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको आते रहेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए ताकि ये नॉलेज उन्हें भी मिलती रहे। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं उन तीन चीज़ों के बारे में जो हमने मृत व्यक्ति की हमारे पास नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इसको रखने से हमें ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियाँ आ सकती है। प्रकृति का नियम है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। मृत्यु एक ऐसा सच है जिसे कोई भी नकार नहीं सकता। मृत्यु निकट आने पर मनुष्य को अपने शरीर का त्याग अवश्य करना पड़ता है और शरीर के साथ साथ उसको अपने सारे भौतिक वस्तुओं का भी त्याग करना पड़ता है। इसका मतलब साफ है कि मृत्यु के बाद मनुष्य मृत्यु लोक की कोई भी चीज़ अपने साथ नहीं ले जा सकता। उसके साथ अगर जा सकते हैं तो सिर्फ उसके पाप और उसके पुण्य। यदि किसी मनुष्य ने अपने जीवन काल में पाप से अधिक पुण्य किए हैं तो वो मृत्यु के वक्त कोई कष्ट नहीं होता और उसके प्राण आसानी से बगैर कोई कष्ट के निकल जाते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति ने जीवन भर पाप किया हो उसकी मृत्यु बहुत दर्दनायक होती है। उसे मृत्यु के समय बहुत पीड़ा सहन करनी पड़ती है। यमराज के दूत भी उस पर बिल्कुल दया नहीं दिखाते। उन्हें बांधकर घसीटते हुए यमलोक ले जाया जाता है और वहाँ पर भी उसे बहुत सारी पीड़ा देते हैं। आत्मा का इस संसार में अपना कुछ भी नहीं है, आत्मा अमर है, उसका कभी अंत नहीं होता। वो अपने कर्मों के अनुसार बार बार जन्म लेती है। मनुष्य का शरीर भी उसका अपना नहीं होता, वो भी उसे कुछ समय बाद छोड़ना पड़ता है, क्योंकि ये शरीर सिर्फ उसे कुछ समय के लिए प्राप्त हुआ है और ये शरीर एक दिन पंच तत्व में विलीन हो जाता है। फिर भी मनुष्य इस संसार में जन्म लेकर कहीं भौतिक सुख के मोह में पड़ जाता है। मृत्यु के बाद भी उसका इस भौतिक चीजों से मोह छूटता नहीं है। जब तक मनुष्य शारीरिक चीजों से अपना मोह बांध के रखता है तब तक मनुष्य को इस जीवन से, इस पृथ्वी लोक से
मोक्ष नहीं मिलता और इसके लिए उसको अलग अलग योनियों में इस पृथ्वी लोक पे जन्म लेना पड़ता है। और इसलिए बहुत बार मृत्यु के बाद वो इस पृथ्वी लोक में भटकते रहता है। कभी कभी ये मोह इतना अधिक हो जाता है कि मृत्यु के बाद भी उसकी आत्मा इस पृथ्वी लोक के भ्रमण करती रहती है, यानी उसे मोक्ष नहीं मिलता। कई बार जब किसी की मृत्यु अचानक से हो जाती है, जैसे एक्सीडेंट से, मर्डर से या हार्ट अटैक से, तो उसकी आत्मा इस पृथ्वी लोक में भटकती रहती है। कई बार हम अपने मृत परिजनों के वस्तु हम उनकी याद में अपने पास रखते हैं या उनके वस्तुओं को उपयोग भी करने लगते हैं, लेकिन गरुड़ पुराण के अनुसार हमने मृत व्यक्ति की कुछ भी चीज़ें हमने कभी भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इन वस्तुओं के साथ उस मृत व्यक्ति की ऊर्जा जुड़ी हुई रहती है। इन वस्तुओं के प्रति उस मृत व्यक्ति का मोह होने के कारण उसकी मृत्यु के बाद भी वो इन वस्तुओं के साथ जुड़ा रहता है। और अगर इन वस्तुओं का प्रयोग किसी ने किया तो वो उसको परेशान करता है, मृत आत्मा उसको बहुत कष्ट देने लगती है। इसलिए कभी भी मनुष्य को किसी भी मरे हुए व्यक्ति की वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मरे हुए व्यक्तियों की चीज़ों को आप जल प्रवाह करें, लेकिन भूल से भी उनकी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उस मृत व्यक्ति की आत्मा की शांति के लिए उनकी वस्तुओं का दान करें तो बहुत ही शुभ होता है। आइए मैं आज बताता हूँ आपको ऐसी तीन चीज़ें जो कभी भी मृत व्यक्ति की हमने इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, अन्यथा उनकी आत्मा पृथ्वीलोक पे भटकती रहेगी और उसे कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी अथवा उसे कभी भी दूसरा शरीर भी प्राप्त नहीं होगा। आइए जान लेते हैं वो कौन सी तीन चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा जो हमने कभी भी मृत व्यक्ति की इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले मृत व्यक्ति के कपड़े। मृत व्यक्ति के कपड़े कभी भी इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, उनके कपड़े पहनने नहीं चाहिए। ऐसा करने से उस मृत व्यक्ति की आत्मा उस व्यक्ति से जुड़ जाती है जो व्यक्ति उनके कपड़ों को इस्तेमाल करता है, और उस इंसान को मानसिक और शारीरिक रूप में कमजोरी आ जाती है। मृत व्यक्ति के कपड़े हमेशा दान कर देने चाहिए। तो ध्यान रहिए कि कभी भी मृत व्यक्ति के कपड़े पहनने नहीं चाहिए। वो दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ है मृत व्यक्ति के गहने। दोस्तों, जीवन काल में बहुत सारे मनुष्यों को गहनों से एक मोह लगा रहता है। गहने भी कपड़ों की तरह ही उसमें मृत व्यक्ति की ऊर्जा रहती है। मृत व्यक्ति का अपने गहनों से लगाव और मोह कपड़ों से कहीं अधिक होता है। गहने इंसान सजने संवरने के लिए पहनता है, अपने आप को खूबसूरत दिखाने के लिए पहनता है, और जब उसकी यही चीज़ें उनके मृत्यु के बाद कोई और उसको पहन लेता है तो उस मृत व्यक्ति को ये देखा नहीं जाता और उस व्यक्ति की आत्मा असहाय महसूस करने लगती है। वो आत्मा उस इंसान को फिर बहुत परेशान करती है। तीसरी चीज़ है मृत व्यक्ति की घड़ी।
घड़ी में इंसान की प्रमुख ऊर्जा होती है। मृत व्यक्ति की घड़ी क्योंकि उसकी जीवन से जुड़ी रहती है, उसे समय और वक्त दिखाती है और उसके समय का निर्धारण करती है, इसलिए उसके मृत्यु के बाद उसके समय का भी अंत हो जाता है। इसलिए उस व्यक्ति की घड़ी का इस्तेमाल कभी भी नहीं करना चाहिए। ऐसे में मृत व्यक्ति की घड़ी को दान देना उत्तम माना जाता है। दोस्तों, तो ये थी पूरी जानकारी कि कौन सी चीज़ें आपने नहीं रखनी चाहिए। चाहे आपको कितना भी प्यार हो उस मृत व्यक्ति से, आपको ये मोह छोड़ देना है और ये चीज़ें आपको नहीं रखनी है, वरना आपको ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानी आ सकती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।